पूरे देश में नीला झंडे का परचम होगा। एहन जी प्रधानमंत्री बनेगी 2024 में। बीएसपी की सरकार बनी तो मोदी और अमित शाह जेल में सड़ेगा। वर्तमान सरकार है, उसने कॉन्स्टिट्यूशन को पैरों के नीचे रौंद रखा है। देश बहुत खतरे की स्थिति में है। मोदी सरकार बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। हम ये सरकार को बदलना चाहते हैं हर हालत में। जातिवाद खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका रिफाइंड रूप आ गया है। पहले जो खुलम खुला जातिवाद होता था गांवों में शहरों में, अब वो उसकी वजह कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका है। क्योंकि जब संसद मार्ग पर संविधान की प्रति जलाई जाती है, लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इससे तो यही माना जाएगा कि आज संविधान भी खतरे में है। सारे ऐसे मोदी 10 इकट्ठे हो जाए तो भी नहीं बदल पाएंगे। नमस्कार, मैं और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के संसद मार्ग में। आज जो है 14 अप्रैल का दिन है, आज ही के दिन बाबा साहेब का जन्म दिवस है। और आपको बता दें कि 134वां जन्म दिवस जो है आज यहाँ पे मनाया जा रहा है। संसद मार्ग पे आप जनसलाम देख पा रहे होंगे, यहाँ पे देखिए किस तरीके से जगह जगह जो है स्टॉल लगे हुए हैं। आज जो है 134वां बाबा साहेब का जन्म दिवस मनाया जा रहा है, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं, जिन्होंने हमें संविधान दिया है और जिन्होंने जातिवाद से छुटकारा दिलवाया है। आज यहीं पे 134वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है। आप देखिए यहाँ पे कितने लोग जो है यहाँ पे मौजूद हैं, आए हुए हैं उनके जन्म दिवस पर मनाया जा रहा है। यहाँ पे फूड स्टॉल वगैरह सारे, कितने सारे स्टॉल आपको दिख पा रहे होंगे यहाँ पे लगे हुए हैं। हम आगे यहाँ पे बढ़ते हैं तो यहाँ पे एक आपको चीज दिखाएंगे कि यहाँ पे मूर्तियां वगैरह जो हैं वो भी लगी हुई हैं। सर क्या कहेंगे आज 134वां जन्म दिवस है बाबा साहेब का, इसमें आप क्या कहना चाहेंगे 134वां जन्म दिवस है बाबा साहेब का? मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो वर्तमान सरकार है उसने कॉन्स्टिट्यूशन को पैरों के नीचे रौंद रखा है, और ये उससे मुक्त कराना है कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। हम जान दे देंगे अपनी, मरने की परवाह नहीं है हमें। लेकिन जिस तरीके की स्थिति दिख रही है तो क्या लग रहा है संविधान बच पाएगा? बचेगा क्यों नहीं बचेगा, यहाँ संविधान बचेगा तो ये देश बचेगा। तो यहाँ पे देखिए लोग जो है लगातार कह रहे हैं कि हमें गर्व है कि हमें संविधान बाबा साहेब ने दिया है, लेकिन आजकल की जो स्थिति देखी जाए उसमें संविधान जो है बेहद ही खतरे में नजर आ रहा है। अगर हम आगे चले यहाँ पर तो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे जो है मूर्तियाँ जो है यहाँ पे रखी गई हैं। हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे जो है बाबा साहेब की मूर्तियाँ और तमाम मूर्तियाँ जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। अपने कैमरामैन से गुजारिश करूँगी कि यहाँ पे आए और जो है ये चीज़ दिखाएं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे सब मूर्तियाँ रखी हुई हैं। यहाँ देखिए पूरे बाबा साहेब की भी मूर्ति आपको दिख जाएगी यहाँ पे, वहाँ पे रखी हुई है बाबा साहेब की मूर्ति। यहाँ पे देखिए किस तरीके से अलग अलग तरह की यहाँ पे मूर्तियाँ रखी हुई हैं। यहाँ पे जो है संसद मार्ग में इस वक्त हम मौजूद हैं और जगह जगह स्टॉल लगे हुए हैं। अगर आपको बता दिया जाए कि जिस तरीके से लोगों से अगर हम बातचीत करें तो लोग यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है अगर जिस तरीके की स्थिति दिख रही है, जो 10 साल में जो भाजपा सरकार ने स्थिति कर दी कि संविधान का संशोधन करेंगे, संविधान बदलेंगे, संविधान खत्म कर देंगे और लोकतंत्र खतरे में है, तमाम यहाँ पे चीज़ें नजर आ रही हैं। सर क्या कहेंगे आज जो है बाबा साहेब का 133वां जन्मदिन है, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कहना चाहेंगे, बाबा साहब की बदौलत ही हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, और बाबा साहब ने जो किया वो किसी के और के शायद ही आगे किसी के बस की हो, और बाबा साहब ने अपना पूरा जीवन इस समाज के लिए लगा दिया। तो उन्होंने यही संदेश दिया कि हमें सबसे पहले शिक्षित बनना है, तो दैट्स ऑल इसी वर्डों के साथ में। जिस तरीके से आज का युवा है बाबा साहब की बनाए हुए संविधान पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है? अभी तक तो चल रहा है, आगे क्या होगा ये सब आपको पता ही होगा। जो जिस तरीके से आजकल की स्थिति दिख रही है, नजर आ रहा है, कह रहे हैं संविधान बदल देंगे, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो मैं क्या कहना चाहूँगा, मैं तो संविधान बचाने की उसमें हूँ। संविधान बदलने वाले तो दूसरी टीम है, मैं तो बचाने वाली टीम हूँ। यहाँ पे देखिए लोग जो है कह रहे हैं कि अभी जो है आजकल के जो युवा हैं वो संविधान के दिखाए हुए रास्ते पे तो चल रहे हैं, जो संविधान में लिखा है उस पे तो चल रहे हैं, लेकिन आगे का कुछ नहीं कह सकते कि स्थिति जो है बेहद ही खराब नजर आ रही है। यहाँ पे आज हमारे साथ युवा भी हैं। सर क्या कहेंगे आप, ये पूरा जो है ये लगा के अपने साथ चल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे बाबा साहेब के जन्मदिवस पर? बाबा साहब का जन्मदिन है, जय भीम। ज़्यादा तो पढ़े लिखे नहीं हैं, पर जो भी है युवा पीढ़ी है सब हम अम्बेडकरवादी हैं। हमारे पूर्वज भी अम्बेडकर के रह चुके हैं और हम भी अम्बेडकर के रह चुके हैं। आज जो है क्या लग रहा है, पूरे लाखों का जनसैलाब यहाँ पे मौजूद है, मतलब गर्व महसूस हो रहा होगा बाबा साहेब के दिए हुए संविधान पर? क्या चीज गर्व महसूस हो रहा होगा बाबा साहेब के दिए? गर्व महसूस होगा, क्यों नहीं, जब ये आई वाली पीढ़ी है। 14 अप्रैल मनाया जाएगा,
पहले से मनता हुआ है चुका है, आगे भी मनेगा, आगे भी नई पीढ़ी होगी उनको भी मनाएगा। और आगे बताइए। ठीक है, यहाँ पे देखिए किस तरीके से लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जय भीम के नारे लगा रहे हैं। यहाँ पे लोग जो है अब जनसैलाब देख पा रहे होंगे, यहाँ पे पूरा जनसैलाब उभरा हुआ है बाबा साहेब के। जितने भी एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं यहाँ पे सब मौजूद हैं और बाबा साहेब के जन्मदिवस की जो आपको दिखा दे तस्वीरें की 133वां जन्मदिवस जो है यहाँ पे मनाया जा रहा है। यहाँ पे देखिए कैसे झंडे लेके जो पूरी नीली क्रांति यहाँ पे देखी जाए तो वो पूरी आ गई है। और यहाँ पे जगह जगह जो है स्टॉल वगैरह जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे होंगे कि स्टॉल लगाए हुए हैं जगह जगह, और बुक्स वगैरह जो है बाबा साहेब की यहाँ पे मिल रही है, नजर आ रहे हैं। वहाँ पे देखिए कि बाम से मूल निवासी कर्मचारी कल्याण महासंघ के तत्वाधान में फूल अम्बेडकर जयंती समारोह जो है यहाँ पे पूरा आयोजित हो रखा है। संसद मार्ग का अगर आपको बता दें यहाँ पे सब आयोजित हुआ है। सर क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आजकल की स्थिति नजर आ रही है, कह रहे हैं देश जो है तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। देश बहुत खतरे की स्थिति में है, मोदी सरकार बिल्कुल भ्रष्ट सरकार है। इसमें सारे जो भी जाते हैं वो सब धुल के साबुन की तरह बिल्कुल साफ हो जाते हैं। हाँ, ये क्या? हम ये सरकार को बदलना चाहते हैं हर हालत में। हाँ, ये मतलब इस सरकार के होते संविधान को खतरा है। संविधान तो कर नहीं बदल पाएंगे ये। हाँ। संविधान की तो सारे ऐसे मोदी 10 इकट्ठे हो जाए तो भी नहीं बदल पाएंगे। क्या कहेंगे आज यहाँ पे इस वक्त अब मौजूद है 133वां जन्मदिवस मना रहे हैं, तो क्या अब लग रहा है कि जातिवाद खत्म हो गया है? नहीं, जातिवाद खत्म नहीं हुआ, लेकिन उसका रिफाइंड रूप आ गया है। पहले जो खुलम खुला जातिवाद होता था गांवों में शहरों में, अब वो उसकी वजह कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पहुंच चुका है। अब बच्चों को यूनिवर्सिटी में कॉलेजों में ताकि वो ना पढ़े उनको डेमोरलाइज करने के लिए उनके साथ ये भेदभाव किया जाता है। इसको बोलते हैं रिफाइंड जातिवाद है। अभी भी 133वां जन्मदिवस हम मना रहे हैं, संविधान दिया है बाबा साहेब ने, लेकिन अभी तक तो जातिवाद जो है जड़ से खत्म नहीं हो पाया है। नहीं जी, नहीं हो पाया, लेकिन काफी हद तक खत्म जरूर हुआ है। लेकिन संविधान नहीं, हमें खुल के आजादी और खुल के बोलने की ही हिम्मत दिया, आज वही संविधान जो है खतरे में नजर आ रहा है। संविधान खुद आज खतरे में है, ऐसा महसूस होता है कि संविधान खुद खतरे में है। संविधान को बचाए जाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब संसद मार्ग पर संविधान की प्रति जलाई जाती है लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती, तो इससे तो यही माना जाएगा कि आज संविधान भी खतरे में है और उसको बचाना हम सब के हाथ में है। अगर हम सब लोग इकट्ठे होंगे तभी संविधान बच पाएगा। यहाँ पे देखिए किस तरीके से जो है पोस्टर वगैरह यहाँ पे लेके आ चुके हैं बाप सा, यहाँ पे पूरा पोस्टर आपको देखने को मिल रहा होगा, बाबा साहेब की यहाँ पे फोटो भी लगी हुई है। सर क्या कहेंगे, यहाँ पे आप लोग मौजूद है लेकिन देश किसी जिस तरीके से देखी जा रही है संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है, जिस तरीके से संविधान को अटैक किया जा रहा है पूरे देश में, आप देख सकते हैं पूरे देश में जिस तरीके से अपोजिशन के दौर है इस टाइम पे जिस तरीके से अटैक किया जा रहा है। आज हम पार्लियामेंट स्ट्रीट में आए हैं, हम रेस्ट्रिक्शन की वजह से आए, बाबा साहब के संविधान की वजह से इस पे हम रहे। आज पूरे देश में जिस तरीके से एंटी कास्ट मूवमेंट उपाध्य आ रहा है इनको दबाने की कोशिश किया जा रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन को दबाने की कोशिश किया जा रहा है, खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। तो आज पूरे देश में सेक्शन यूनिटी के साथ लड़ाई कर रहा है और हम ये संविधान जब तक है हम जीतेंगे और संविधान को बचा के रहेंगे। यहाँ पे देखिए किस तरीके से नारे लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि मनुवाद को खत्म करके रहिए, कि मनुवाद की वजह से ही जातिवाद बढ़ रहा है और आज की स्थिति अगर देखी जाए तो जातिवाद बहुत ही बढ़ चुका है। सर क्या कहेंगे आज की स्थिति में अभी तक जो है जातिवाद खत्म नहीं हो पाया है, अभी तक जो है जातिवाद जड़ से खत्म नहीं हो पाया है? जातिवाद खत्म करने के बाबा साहब ने एनिलेशन ऑफ कास्ट में बताए गए थे, जब तक हम हिंदू धर्म में हिंदू स्क्रिप्चर्स को मानेंगे और जब तक हम उसको एकदम रूट से, अगर जब तक हम उनको निग्लेक्ट नहीं करेंगे, रूट से हम उनको अनहाइलाइट नहीं करेंगे, तब तक हमारे समाज में जो है जातिवाद जो होता रहेगा, जातिवाद जो है बढ़ते रहेगा। जातियों को एक करने का काम किया है तो बाबा साहब ने किया है, जातियों को तोड़ने का काम किया है तो वो मनु ने किया है। यहाँ पे देखिए लगातार युवा जो है वो भी जाग चुके हैं और कह रहे हैं कि जो है मनुवाद को खत्म करेंगे। पीछे पीछे देखिए यहाँ पे कितनी भीड़ है और जय भीम के लगातार जो है नारे लगाए जा रहे हैं यहाँ पे। बाकी अब देखना ये है कि 134वां जन्मदिन आज हम बता दें कि मनाया जा रहा है और यहाँ पे बस्तर क्या कहेंगे, जय भीम के नारे लगाते हुए आ रहे हैं आप? हाँ जी, हम दिल्ली से आए हैं। हाँ जी, जमुना पार से
गोंडा विधानसभा क्षेत्र से। अच्छा। जी 2024 में लोकसभा की सरकार बनेगी और पूरे देश में नीला झंडे का परचम होगा। नीले झंडे का पूरा प्रचार रहेगा। स्थिति ऐसी दिख रही है सर, स्थिति ऐसी दिख रही है। बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी 2024 में और सब साथियों से आह्वान है सब BSP को वोट करें। लगातार कहा जा रहा है कि अगर भाजपा कह रही है हमें 400 पार लाते हैं तो संविधान बदल देंगे। ओ भाजपा कह रही है, लेकिन BSP वाले कह रहे हैं उसे भी सुनना चाहिए। और BSP की सरकार बनी तो मोदी और अमित शाह जेल में सड़ेगा।